वक्त 5 सरजमीन पार्टी के टाउन ऑफिस में, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं या मोहम्मद यासीन साहब, और इसके अलावा इमरान साहब, और इसके अलावा जावेद साहब। मोहम्मद यासीन साहब एज ए टाउन प्रेसिडेंट पीएसपी की जानिब से काम कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। और आज का टॉपिक होगा हमारा बल्दियाती मसाइल के इलेक्ट्रिक के एहतजाज के हवाले से। बात करते रहे मगर जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ी है, याकताबाद के अंदर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सिर्फ याकताबाद में नहीं हो रहा, पूरे शहर के अंदर यही सूरत आ रही है, और गैर अगानिया लोड शेडिंग की वजह से छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, बुरा हाल है। ये हमारे लोग हैं, इनके साथ तो पहले धोखा हो गया है, इन्होंने जिस जमात को वोट दिया था वो तो काम कर नहीं रहे। इलाके की सूरत हाल आपको पता है कि बल्दियाती चेयरमैन जो है उसका क्या हाल है, उनका रोना यही होता है कि जो है हमें फंड नहीं मिल रहा है, बस यही मामला है उनके। और हमारे साथ तो मतलब वो खुद गवर्नमेंट में होने के बाद एहतियाज की तरफ जा रहे हैं ना, मतलब उनकी तरफ आवाम ने देख रही हमारी तरफ है कि पाक सरजमीन पार्टी इस कराची में रहने वालों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, तो हमें तो आवाज़ उठानी है, उठाते रहेंगे। वो तो अनिल भाई के छाना बछाना काम करते रहेंगे, मतलब इस लोड शेडिंग के मसले को अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई, कल हो सकता है ये लोड शेडिंग इतनी हो जाए कि आने वाले रमजान के अंदर हमारे लिए रोजे और अफ्तार शहरी करना और अफ्तार करना आसान हो जाए। आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप लोगों की क्या कोशिश होगी सबसे पहले आवाम की? सबसे पहले तो पीने का साफ पानी। देखें, मुस्तफा कमाल भाई ने पिछले 5 सालों में सिटी गवर्नमेंट के अंदर जो काम कराए, पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर ये काम कोई नहीं करा सके। इससे तो आप मतलब आपके दुश्मन भी मानते हैं इस चीज़ को। बेस्ट मेयर का जो है खिताब दिया गया, सेकंड बेस्ट मेयर का। तो मसला ये है कि बताने की तो जरूरत नहीं कि क्या करेंगे, काम तो किया हुआ उन्होंने, मतलब इन्होंने जो उनके काम का बेड़ा गर्क किया है वो उस काम को सही करेंगे। यहाँ रोड है, कार्पेटिंग नहीं है उसके ऊपर, रोड उखड़े पड़े ना, ये सारे काम मुसाई ने कराए थे ना इस शहर के अंदर। पहले कुर्बानी होती थी, कुर्बानी की खाले उठने के बाद उनके जो आलात होते थे वो आपको शहर में नज़र नहीं आते होंगे, मगर इस दफ़ा जो हुआ है आपने देखा होगा कि जो बकरी पिछली गुजरी उसमें पिछले 2-2 महीने तक जो है गंद पड़ा रहा रोडों पे, बच्चे बीमार होते रहे, कोई सिटी नाजिम नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कौन है जो मतलब इनको देखेगा। ये सब PSP ही कराएगी, लोगों की समझ में आ गया है। याकताबाद में सबसे ज़्यादा बल्दियाती मसाइल है जो देखे जाते हैं, और माजी में भी देखे गए और प्रेजेंट में इस वक्त हमारे सामने काफ़ी बल्दियाती मसाइल है, सैमिट से लेके और बाकी पानी के मसाइल, इन मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे कि इन मसाइलों के हल के लिए PSP ने क्या लाया वाले का? देखिए, अभी भी जब से 2 साल से PSP आई है इन एरियों में, हमारे पास कोई आवामी नुमाइंद नहीं है, मगर उसके बावजूद अपनी सारी एफर्ट्स लगा रहे हैं याकताबाद टाउन में भी, पूरे कराची में जहाँ जहाँ PSP है वहाँ के जिम्मेदार अपने तई वाटर बोर्ड से भी बात करते हैं, जहाँ लाइन का मसला होता है, पानी का मसला होता है, उसको हल कराने की कोशिश करते हैं। उसकी मिसाल है कि सिकंदराबाद, हमारे याकताबाद में सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद की लाइन है बोसीदा हो गई थी, नहीं डाला था, नहीं चेयरमैन नहीं कराते काम ना, हमने वाटर बोर्ड से रब्ता किया और उनसे करवाए हमने वो काम, और वो लाइन डल गई। आज कुछ तो बेहतरी आई है इंशाल्लाह, जिस दिन PSP आ गई तो ये मसले मसाइल नज़र नहीं आएंगे आपको। आपका जमीन का एक ही रोए गए मुस्तवा ने हमेशा बल्दियाती हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो हमेशा उन्होंने सेवरेज का और कचरे के हवाले से हमेशा बात की है, जो उस टाइम पूरी कराची का मसला है, याकताबाद का तो है पूरी कराची का मसला है, वो पूरी कराची के लिए बात कर रहे हैं, पूरी कराची के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जमीन आपने देखा इतना बड़ा, उन्होंने अभी इधर के अंदर पूरा मुजाहरा किया, कल हैदराबाद में भी मुजाहरा हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत कामयाब मुजाहरा हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि पाक सरजमीन आने वाला टाइम जो इंशाल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी से पहले आप सियासी जमात से मेरा आपने कब जॉइन किया? 91 में। और आपको मतलब ऐसा क्यों लगा कि PSP की जानिब आपको स्टेप लेना चाहिए? तकरीबन जो लोग आना ना उनके पास पहले कोई रास्ता नहीं था, जब मुस्तफा भाई और अनिल भाई आए तो
اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بنایا سب کے لیے، ورنہ سارے راستے بند تھے اور آپ کو ماحول کا بھی پتا تھا کہ کوئی دوسری جگہ جان چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کا یہ دونوں شعر آئے اور انہوں نے آگے سب کے لیے جو سمجھدار لوگ تھے انشاءاللہ آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، انہوں نے یہ راستہ بنایا جو بالکل صحیح راستہ تھا اور ہمیں بڑا فخر ہے اس راستے پہ کوئی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم یہ راستہ دیا۔ اچھا، آپ سے بلدیاتی مسائل کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ کے ٹاؤن پریزیڈنٹ جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمیں پاور ملتی ہے اور اگلا الیکشن ہمارا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم کام کریں گے، تو آپ اس کام میں ان کی کتنی مدد کریں گے؟ بھرپور طریقے سے مدد کریں گے، اور ابھی بھی کوئی کام ہوتا ہے تو ٹاؤن انچارج صاحب کو پتا ہے کہ ہم میں کھڑا ہو کے وہاں کرواتا ہوں، علاقے کے کئی کام کروائیں، علاقہ اس بات کا گواہ سکندر آباد کا جہاں بھی آپ سے جیسے میں نے بات کی وہاں تقریباً کام میں کرواتا ہوں، تو میرا علاقہ لگتا ہے میرے علاقہ ابھی بھی دائنے والے بتائیں جیسے میں نے ہم نے کھڑے ہو کے کروائی ہیں اور یہ جیسے بھائی کو فون پہ رابطے میں رہتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کہ پی ایس پی اور متحدہ کے الگ ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہوا ہے یا اس میں کچھ کی تبدیلیاں جو آنی چاہیے؟ صحیح ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس آپ نے دیکھا ہوا لیاقت آباد کا جو جلسہ بریج کے اوپر ہوتا ہے اس میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ لیاقت آباد کے عوام نے فیصلہ دے دیا پاک سوادھین پارٹی کا، لوگ بیزار تھے ان سے، انہوں نے اپنی مونوپولیسی بنائی ہوئی تھی، سب پیسے بلدیاتی حوالے سے کھا رہے تھے، ہمیں دل دکھتا تھا مگر بول نہیں سکتے تھے کہ ہمارے پاس آتا تھا، ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ ہر بات کرتے ہیں۔ ان شاء اللہ پاک سوادھین پارٹی آئے گی، بلدیاتی نظام بہت اچھا ہو جاتا اور مصطفیٰ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کو آپ بھی جانتے ہیں۔